ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मुंबई एवं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र से पाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर खबरदारी लेते हुए नवी मुंबई के नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लेने का आह्वान करते हुए वैक्सीनेशन के गति पर पालिका द्वारा जोर दिया जा रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका का विशेष दक्षता पथक भी अब सतर्क हो गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका दक्षता पथक जब सीओड स्थित ग्रैंड सेंट्रल मॉल पहुंचा, तब उन्होंने एक कर्मचारी को बिना मास्क पाया। जब और पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि उसने वैक्सीन के दो डोज भी नहीं लिए हैं। सात रोग प्रतिबंध कानून के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार किसी भी आस्थापन में काम करने वाले कर्मचारियों के दो डोज होना अनिवार्य है, मगर नियम का उल्लंघन होने के कारण ग्रैंड सेंट्रल मॉल सीउड्स को 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा भी अभी तक टला नहीं है और इसीलिए नागरिक सतर्कता बरते एवं मास्क का इस्तेमाल करे। मास्क का इस्तेमाल ना करने वाले नागरिक एवं आस्थापनों तक ये संदेश पहुँचे, इसलिए ये कार्रवाई की जाने की बात पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने कही। आगे उन्होंने लोगों से ऐसा भी अपील किया है कि कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं एवं कार्रवाई से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।